77th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर गुलबर्गा शहर से हिंदू मुस्लिम और पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर तिरंगा लहराते हुए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया है। हर साल गुलबर्गा शहर से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से मोहम्मद जिलानी, कंज बसवेश्वर रोजामठ स्वामी और दीगर लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखते हुए हर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को तिरंगा लहराते हुए देश की आज़ादी में शहीद हुए बड़े बुजुर्गों की कुर्बानी को हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी याद करती है। देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है और दूसरी तरफ गुलबर्गा शहर से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी भाईचारे का पैगाम देती है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी से मोहम्मद जिलानी, कंज बसवेश्वर रोजामठ स्वामी, दत्तू जी, दिनेश जी, श्रीकांत मजर मौलाना, मोइज पठान, डॉक्टर रुस्तुम और पुरोजा पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर एंड टीम यहां मौजूद थी। तमाम लोगों ने मिलकर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर भाईचारे का पैगाम दिया है। तमाम मजहब के भाई ने कुर्बानी दी और देश को आज़ाद किया। आज़ादी की खुशी के मौके पर वार्ड नंबर 19 नरोना गली हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से कंज बसवेश्वर रोजामठ के हमारे स्वामी जी, हमारे जज दिनेश जी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे मदर मौलाना और हमारे रोजा पटिशन के रफीक भाई, फिर हमारे रोजा पटिशन के एसआई साहब, माई मोहम्मद जिलानी, गंगा जमुना तहजीब भाईचारे के साथ हजरत ख्वाजा मन्ना दरगाह शरीफ शानबाज शपा मंदिर, ये एकता की मिसाल है। एकता हमारी जान है, यही हिंदुस्तान की शान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन हमारा, हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुल सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद जय कर्नाटक हमारा भारत महान। लिहाजा इस जश्न में हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए से हमेशा ये झंडा लहराते जाएगा सुबह कयामत तक, और हम सब हिंदुस्तानियों को मुबारकबादी देते हैं कि आप आज के जो है 76वें जश्न आज़ादी सबको जो है मुबारक हो। 77 यानी 77वां जश्न आज़ादी सबको मुबारक है। और जो है जिलानी भाई और हमारे मौलाना मजहर साहब और भी उलमा इकराम की जानिब से ये झंडा लहराया गया हमारे स्वामी साहब के नेतृत्व में, स्वामी साहब मटके हमारे रोजा बुजुर्ग के, उनके जरिए से जो है झंडा लहराया गया है और ये परंपरा हमेशा जारी रहेगी और ये परंपरा हमेशा जारी व सारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सीता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर शहर गुलबर्गा शरीफ का सबसे ज़्यादा गंजान आबादी रखने वाला इलाका रोज़े में जनाब हमारे मुत्या जी साहब और हमारे जनाब जिलानी साहब जो हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदर है, और उनकी तमाम टीम और हमारे पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर साहब और तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं, उन तमाम लोग यहाँ पर तिरंगे को लहराए। मैं इस मौके पर सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले मैं हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर इसी के साथ जितने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं, मैं इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये हमारा तिरंगा लहराना अल्लाह ताला कयामत तक जारी रखे और हम हमारे आखिरी सांस तक इसको जारी व सारी रखेंगे। आज के इस मौके पर मैं ख़ास करके हमारे जनाब जिलानी साहब, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो चलाते हैं, इनका बहुत ही अच्छा इसमें कारनामा है और आप यहाँ के इस कमेटी के आप सदर है, लिहाजा मैं सबको मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं ख़ास करके हमारे जिलानी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा और हमारे यहाँ पे जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उन सबको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। स्वामी जी, हमारे मुत्या जी है और हमारे जो है दिनेश जी, जितने लोग हमें तमाम मेरे भाइयों को, हिंदुओं को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाइयों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा शहर में एक अमन व शांति हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से ये जो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के चौक पर या रोजा मठ भी है और हमारे साथ ही साथ हिंदू भाई सब मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से हमारे तमाम डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, केबी डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, रोज हमारे तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे साथ में जो ना रहकर और दलित भाई हर समाज के लोगों को जो है ना यहाँ लेकर चलते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से हमारा मकसद यही है कि हर साल ये चौक में अमन व शांति का पैगाम देते हुए हम इसी पैगाम को हमेशा जारी करने के लिए हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह यही चाहते थे कि उनके दरबार पर हर कौम आए। ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमान आए कि उनके दर्शन करें, ऐसा नहीं है। सभी के लिए हमारा मकसद यही है
कि उनके जो मिशन को जो है ना हम कंटिन्यू करना है, जैसे बसवेश्वर सर ने कहा था वही मिशन जो है ना हमको चलाना है। हमारे स्वामी साहब को लेकर हम हमेशा, हमारे जिलान साहब और हम, हमारे एकता कमेटी की जानिब से तमाम नौजवान बुजुर्ग जो भी हमारे कारोबार करने वाले यहाँ जो भी मौजूद हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि हर साल इसी तरीके से इस एकता कमेटी को जो है ना अमन और शांति की तरफ तवज्जो देकर परचम को लहराने की कोशिश करें। अपने भाइयों को इस देश की आज़ादी के दिन मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ करता हूँ।